जय शंकर महाराज। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ये चूड़धार मंदिर के बारे में और शिरगुल महाराज जी की कहानी, और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे कहा जाता है ये चूड़धार पीक पर अभी भी पाताल का रास्ता है, बट इसे टेम्परेरी बेसिस पर बंद कर दिया गया है। कुछ समय पहले जब यात्री यहाँ पर आते थे तो वो सिक्का जो क्वाइन होता है वो इस जगह पर डालते थे, तो 5 से 10 मिनट के बाद उसके गिरने की आवाज़ आती थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी के साथ। यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से सुना तो था कि यहाँ पर पाताल को रास्ता है, पर जब मैं पंडित जी से मिला तो उनसे पूछा कि यहाँ पर सिक्का डालने से क्या होता था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सिक्का डालते थे तो पाताल पहुँचने में 5 से 10 मिनट लग जाते थे। कितना पुराना है? पांडवों के टाइम का, महाभारत के टाइम का है ना। तो ये जो आपको 2 पत्थर दिख रहे हैं, कहा जाता है ये पाताल का द्वार है, और अब तो ढक दिया है। पहले इसमें झांकने से राक्षस नीचे लड़ते हुए दिखते थे, तो मेरे एक जो लोकल यहाँ के लोकल फ्रेंड है उन्होंने इस मंदिर की पूरी स्टोरी बताई, आपको वही स्टोरी आज मैं उनके द्वारा सुनाने जा रहा हूँ। ये हमारे भाई यहाँ के लोकल है, तो ये यहाँ की स्टोरी बताएंगे। बम बम भोले, बम बम भोले। वैसे जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि ऐसे बोलते कि इन जंगलों में संजीवनी ड्यूटी भी है। अच्छा, वैसे बोलते थे पहले कोई भेड़ बकरी आते थे ना जो गटरी होते, तो क्या हो गया था उसकी, मतलब एक को कुछ मिल गया था कुछ बूटी टाइप। अच्छा। तो ऐसा किया उसने देखा वो बूटी में काफ़ी ताकत थी। उसने क्या किया, उसकी उंगली कट गई थी उस टाइम ना। तो उसने क्या किया, उंगली कैसे कट गई? उंगली कट गई उसकी, ऐसे त्राट से काम कर रहा था कुछ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसकी बूटी जो चकी थी ना उसने जेब में रखी हुई थी। अच्छा। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये थोड़ी लगा के देखता हूँ मैं। उसने देखा वो बूटी लगाई उंगली पे, उसकी उंगली जड़ गई, पूरी जुड़ गई उंगली। अच्छा। उसने देखा ये तो चमत्कारी चीज है, तो उसने क्या किया, उसके पास बकरियाँ थी। अच्छा। लोकल बंदा था यहीं का? पहले के टाइम में हाँ इधर ही रहता था, जंगलों में भेड़ बकरियाँ चराते थे। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बकरी की गर्दन काट ली। तो उसने क्या किया, उस बूटी को उसकी गर्दन पे लगा के गर्दन जोड़ दी उसकी। अच्छा। तो ऐसा बोलते हैं। फिर उसने क्या बोला, उसने अपने दोस्तों को बुलाया कि इस बूटी में इतनी ताकत है कि हम मृत व्यक्ति भी जीवित कर सकते हैं, जैसे वही हनुमान जी। तो उसने क्या किया, उसकी बूटी जो थी वो जेब में थी ना, तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों को बताने के लिए जो उसके साथ वाले गटरी थे भेड़ बकरी वाले, तो उसने क्या किया, उसने उनको दिखाने के लिए बोला कि मैं अपनी गर्दन काटूंगा, तुमने बूटी लगा के मेरी गर्दन जोड़ देनी है। तो ऐसा बोलते हैं कि उसने जैसे ही गर्दन काटी ना, और बाकी के लोग डर गए जो उसके दोस्त थे, तो वो लोग भाग गए। तो ऐसा पहले के टाइम में बोलते थे कि अभी भी जो आधे कट्टे वाला बंदा उसकी जेब में बूटी है। ये क्या चीज़ होती है, ये जो पत्थर रखते हैं? ये पत्थर तो ऐसे ही है, मतलब रास्ता बताने के लिए। अच्छा। कि जो भी पिलग्रिम आए उनको लग जाए कि ये रास्ता है। वैसे मैंने हम सही रास्ते में जा रहे हैं। स्पीति वगैरह में भी पत्थर के ऊपर पत्थर कहते हैं कि वो विश मांगते हैं अपनी। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं। अच्छा, फिर और था स्टोरी में बताओ। फिर ऐसा ही था, उसके बाद वो ऐसे ही घूमता रहता था, लोगों को ऐसे ही भटकाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे जब भी लोग आते थे इधर, क्या बोलते वो लोग डरते थे पहले, क्योंकि जो रात को इधर रुकता था तो रात को रुकने से बंदे डरते थे, क्योंकि उनको डराता था वो बंदा काट के कुछ भी। हाँ, कुछ भी। और जो पहले, जो बहुत ही सदियों पहले जो कहानी है, तो बोलते थे कि यहाँ शिरगुल महाराज रहते थे। हाँ जी, ये शिव जी महाराज। हाँ। तो क्या हुआ था, यहाँ पर उन्होंने वैसे तो इन्हीं का वो था, तो यहाँ पर जो भी पिलग्रिम आते थे दर्शन करने, तो एक राक्षस होता था यहाँ पर। तो वो राक्षस क्या करता था, वो उनको खा जाता था, दाना खा, जो भी आते थे उनको खा जाता था। फिर ये बात शिरगुल महाराज को पता लगी, तो उन्होंने क्या किया, वो आए, उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। अच्छा। तब से यहाँ पर शिरगुल महाराज का मंदिर बना। और ये जो ये मंदिर बनवाया किसने, कुछ आइडिया? मंदिर तो यहाँ पर यात्रियों ने ही बनाया है। अच्छा। बट ये कि शिरगुल महाराज अपने परिवार के साथ इधर रहते थे। अच्छा।
और जो आप ये नीचे पत्थर देख रहे हैं, ये जो बड़ा जैसा, ये बहुत बड़ा पत्थर नीचे यहाँ पर लोग आपको दिख रहे थोड़े से, वहाँ पर ऐसे बोलते कि ये चूरू का टाबरा, मतलब शिरगुल महाराज का परिवार वहाँ रहता था। अच्छा, इसके ऊपर माता पार्वती। हाँ, अभी भी ऐसे है कि नीचे जो है शिव जी महाराज, शिरगुल महाराज के पैरों के निशान है। अच्छा, नीचे बाग साइड पे। अच्छा, अभी दिखेंगे ऐसे पत्थरों पे निशान जैसे है। अच्छा, और सब कुछ वो पत्थरों की बन गई है, जिसमें वो ऐसे होते थे ना वो बर्तन वगैरह जिसमें खाना बनाते थे, वो भी अभी पत्थरों की बन गई है। इतनी बड़ी स्टोरी बताई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने अपना नाम तो बता दो हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम पवन सिंह टा है, मैं लोकली यहाँ कुपुई तहसील में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से बस ये वाला रास्ता है, आप 4 घंटे का रास्ता है, 3-4 घंटे का। अच्छा, इन्हीं जंगलों के होते हुए। अच्छा, कुपुई तहसील शिमला में पड़ती है। अच्छा, और बल्कि चूड़धार जो है ऊपर वाला जो लिंग है, जो मूर्ति है, ये चूड़धार मतलब सिरमौर में पड़ती है, और जो नीचे धर्मशाला है ये चौपाल के अंडर आती है। चौपाल वो है, चौपाल? हाँ, चौपाल मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंडर आती है। अच्छा, और ये ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इन्हीं का अपना है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती और है। और ऐसे ऊपर जो है 3500 मीटर की एलिवेशन है ऊपर, तो ऐसा मानते हैं कि उधर जो बंदा कुछ जिसको कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है ऊपर को, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ जी, चलो हम इस साइड से जाएंगे ताकि हमारे को शिरगुल महाराज का परिवार जहाँ रहता था उससे भी रूबरू कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। नमस्कार जी, एक ये आपको हमारे पीछे दिख रहा है एक बहुत बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर। वैसे पूर्वजों के टाइम में माना जाता है कि शिरगुल महाराज का परिवार इधर रहता था। ये पत्थर हमारे दोस्त ऊपर चढ़े हुए हैं, हाथ हिला दो। कहा जाता है कि यहीं पर शिव जी महाराज जी का परिवार रहता था, हमारे भाई जी ने बताया। शिरगुल महाराज के पैर का निशान है ये, पहले के टाइम में जब शिरगुल महाराज राक्षस का विनाश करते हुए उसका पीछा करते थे, तो ये देखिए आपको यहाँ पर निशान है शिरगुल महाराज का। ये मेन जो टेम्पल है हमारा छोटी है, उससे आधे घंटे नीचे, 15-20 मिनट नीचे ही पड़ेगा, ज़रूर दर्शन करके जाइए। Thank you for watching this video. Subscribe my channel Campus Emo on YouTube. Thank you so much.